दर्शकों, आप सबको छठे नवरात्र की दिव्या चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप गत 5 दिवस से भगवती पराम्बा की पूजा आप कर रहे हैं, आज हम आपको भगवती माँ कात्यायनी के पूजन की विधि आपको हम बताएंगे। बड़े श्रद्धापूर्वक आप हमारे पूजन हवन को देखते हुए और अपने क्रम को उसी तरह से अपने घर में पूजन करें। आइए सर्वप्रथम हम पवित्र हों। हरि ओम। अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांग तो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाहियांतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम हरि पुनातु, ओम विष्णु पुनातु, पद्मनाभ पुनातु ओम। ऐसे आप अपने ऊपर जल छिड़ते हुए अपने घर में रखी हुई संपूर्ण सामग्रियों के ऊपर, पूजन सामग्री पर जल छींटे और स्वयं आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तो प्रक्षाल्य गोविंदाय नमः ओम। स्वस्ति तिलक और शिखावंदन करें। भक्तों, आइए आज हम अधिष्ठात्री देवी भगवती कात्यायनी को प्रणाम करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भगवती कात्यायनी भक्तों के संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाली हैं। विशेष रूप से ये उन कन्याओं की माँ हैं जिनको अपने मनोनुकूल परिवार का सुख अर्थात दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है। वे कन्याएं भगवती कात्यायनी की उपासना करके, पूजन करके अपने मनोनुकूल वर को प्राप्त कर लेती हैं। आप सबने भागवत कथा में श्रवण किया होगा कि वे गोपियां भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए यमुना जी में स्नान करती हैं और भगवती कात्यायनी को प्रणाम करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुत देवी पति मे कुरुते नमः। नंद जी के पुत्र जो कृष्ण हैं उनको आप पति के रूप में मुझे प्रदान करें। हे भगवती कात्यायनी माँ, आपको प्रणाम है। इस प्रकार से कात्यायनी देवी उन कुमारियों के लिए एक अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली हैं। तो ऐसी माँ के चरणों में हम सर्वप्रथम प्रणाम करें। ओम कात्यायनी मात्रे नमः। भक्तों, प्रतिदिन की तरह आज भी आप भगवती की पूजा करें। पाद्य अर्घ्य आचमनी स्नान पंचामृत स्नान शुद्धोदक स्नान के द्वारा संपूर्ण पूजन भगवती का करें। भगवान वरुण देव को प्रणाम करें और सब पूजन करने के बाद अंतिम में सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि भगवती कात्यायनी नमः। इस प्रकार से भगवती कात्यायनी को आप पूजन करके और पुनः आप हवन का संकल्प करें कि हे भगवती माँ, आपका पूर्ण आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। एतदर्थ अक्षत पुष्प हाथ में लेकर, जल लेकर, हरि ओम तत्सत 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 विष्णु और विष्णु और विष्णु उच्चारण करते हुए और अपनी मनोकामनाओं को, वत्स गोत्रोत्पन्नो हम स्वामी प्रसाद मिश्र शर्मा हम अत्रत्याह अयोध्या निवासिनो हम अहम भगवती कात्यायनी देव्याः कृपा प्रसादात सकल मनोकामना संसिद्धे होम कर्म अहम संपादयिष्ये। ऐसा संक्षिप्त में संकल्प करके और पुनः अब हवन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अग्नि स्थापना के लिए हम सर्वप्रथम से समिधा का स्थापन करेंगे और समिधा स्थापित करते हुए हम पुनः कर्पूर के माध्यम से और अग्निपेटिका से कर्पूर को प्रज्वलित करते हुए और पुनः अग्नि की स्थापना हमने की है।
ये विधि आप कई दिन से देख रहे हैं। आज हम भगवती के छठे रूप का, जिनका पूजन हम कल आज की इस विधि को देख करके कर सकते हैं, आहुति प्रदान करेंगे। आइए सर्वप्रथम उसी क्रम से पहले भगवान गणपति जी को हम आहुति प्रदान करें। ओम गणानांत्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियाणांत्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधीनांत्वा निधिपति गुंगवामहे। वसोमम आहम जानि गर्भधमा तुम जासी गर्भधम्मा। ओम गणपतये स्वाहा स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सप्तश्वकाः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं माम्बिकायै स्वाहा स्वाहा। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो फेन आवह सबुद्निया उपमास्य विष्टाः सतस्योनिमिशतिवा ब्रह्मणे स्वाहा स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्वी चक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च साम्य सदा शिवाय स्वाहा स्वाहा। आप चाहें तो इन मंत्रों के माध्यम से अथवा वैसे ही ओम गणपतये स्वाहा, ओम दुर्गा देवी स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम महालक्ष्मी स्वाहा। इस क्रम को आप अपने बुद्धि में स्थित रखें कि इन मंत्रों से आहुति देने के बाद और पुनः भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को आहुति प्रदान करें। आइए हम भगवती महाकाली को आहुति प्रदान करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम महाकाली स्वाहा स्वाहा। ओम महालक्ष्मी स्वाहा स्वाहा। ओम महासरस्वती स्वाहा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे दुर्गा देव्यै स्वाहा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे दुर्गा देव्यै स्वाहा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे दुर्गा देव्यै स्वाहा स्वाहा। भक्तों, आज भगवती कात्यायनी जी का दिवस है। हमारी बहने ओम कात्यायनी महामाये महायोगी निधेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः, इस मंत्र से यदि सुयोग्य वर की कामना करते हैं तो हमारे भाई बंधु भी जिनका विवाह समय से नहीं हो पा रहा है, वे भी आज भगवती कात्यायनी जी के चरणों में इस मंत्र से आहुति दे सकते हैं। ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। ओम दुर्गा देवी स्वाहा। पुनः आप इस मंत्र को सुन सकते हैं। ये मंत्र दुर्गा सप्तशती में स्थित अर्गला स्तोत्र के अंतर्गत है। पुनः श्रवण कर। ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम स्वाहा स्वाहा। ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ओम कात्यायनी स्वाहा स्वाहा। ये भगवती का मंत्र हुआ। अब हम उसी नाम मंत्र के माध्यम से, जिससे आहुति हम पहले प्रदान कर रहे थे, उसी नाम मंत्र से पुनः आहुति प्रदान करें। ओम कात्यायनी स्वाहा स्वाहा। ओम कात्यायनी देव्यै 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 स्वाहा स्वाहा। इस प्रकार से ये भगवती कात्यायनी को आहुति प्रदान की गई। ऐसे भगवती के विविध नाम हैं। हमने ये जो मंत्र पाठ किया है, इनमें भी भगवती के कई नाम हैं। जैसे ओम कात्यायनी,
ओम महामायायै स्वाहा स्वाहा। ओम कात्यायनी महामाये ओम महायोगिन्यधीश्वर्यै स्वाहा स्वाहा। और नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद जो गोप हैं उनके सुत जो कृष्ण हैं उनको मुझे पति के रूप में प्रदान करें। ते नमः तुभ्यम नमः, आपको हम प्रणाम करते हैं। इस भावना के साथ हमारी बहनें 108 इस मंत्र का पाठ नवरात्र में करें। और हम तो ये कहेंगे कि ये मंत्र केवल षष्ठ दिवस में नहीं अपितु प्रथम नवरात्र से प्रारंभ करके और अंतिम 9 दिन तक लगातार करें। नियम का पालन करें, यथाशक्ति व्रत करें और यदि संभव हो तो गाय का दूध पीकर और केवल फल खाकर भगवान भगवती कात्यायनी माता का चित्र सामने रखकर ज्योति जगाकर आप यदि प्रतिदिन हवन करते हैं, मंत्र का जप करते हैं तो भगवती की कृपा आप पर जरूर होगी। बस ये सावधानी रखना आवश्यक है कि हवन के सत्र में आपका शरीर आपका मन पवित्र होना चाहिए। आइए इसी भावना के साथ भगवती के कुछ अन्य नाम से भगवती को हम आहुति प्रदान करें। ओम भगवती स्वाहा, स्वाहा। अंबिकायै स्वाहा, स्वाहा। ओम दुर्गा देव्यै स्वाहा, स्वाहा। ओम शूलधारिण्यै स्वाहा, स्वाहा। ओम मधुकैटभहन्त्रै स्वाहा, स्वाहा। ओम शुम्भन शुम्भनन्यै स्वाहा, स्वाहा। ओम महिषासुरघातिन्यै स्वाहा, स्वाहा। ओम चण्डमुण्डवधकारिण्यै स्वाहा, स्वाहा। ओम रक्तबीजवधकारिण्यै स्वाहा, स्वाहा। ओम दुर्गमायै स्वाहा, स्वाहा। ओम दुर्गायै स्वाहा, स्वाहा। ओम दुर्गहन्त्रै स्वाहा, स्वाहा। ओम मार्गप्रदायिन्यै स्वाहा, स्वाहा। ऐसे भगवती के अन्य नामों का आप चाहें तो भगवती के शत नाम अर्थात 100 नाम के अष्टोत्तर शत नाम से अथवा द्वात्रिंशत दुर्गा नाम की माला है उन मंत्रों के माध्यम से आप भगवती को आहुति देकर अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। आपने यदि घर में अपने भगवती को भोग लगाने के लिए कोई हलवा प्रसाद आदि बनाया है तो अंतिम में भगवती को 3 आहुतियाँ, एक भगवती महाकाली के नाम, एक भगवती महालक्ष्मी और एक भगवती सरस्वती देवी को निमित्त मानकर आप 3 आहुतियाँ उससे भी दे सकते हैं। और अंतिम में 1 आहुति आप भगवान अग्नि देवता को देते हुए प्रार्थना करते हुए, हे अग्निदेव आपने बड़ी कृपा की, आपने हमारी अधिष्ठात्री देवी को अपनी ज्वाला के माध्यम से आहुति पहुंचाई, आप स्वयं आहुति को ग्रहण करें। ओम अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा स्वाहा। आहुति पूर्णता की ओर है, अब हम पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। घर के जितने भी सदस्य हैं सभी हाथ में अपने सामग्री ले लें और पूर्णाहुति को अपने हाथ में लेते हुए हरि ओम पूर्णादर्भिपरापतस्व पूर्णा पुनरापत वसनेव विक्रीणावहा एकमोर्जगुं शतक्रतो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा स्वाहा। भगवते वैश्वानराय नमः, जातवेदसे नमः। ओम इसके बाद आपने पूर्णाहुति की है, भगवान अग्निदेव को का आप आरती कर सकते हैं अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार कर्पूर आदि के द्वारा। ओम भगवते नमः अंबिकायै नमः। ओम नमस्करोमि प्रणमामि मुहुर्मुहुर् भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम आरती की, आप आरती को प्रणाम करेंगे और अपने हाथ को धोते हुए
पुनः पुष्पांजलि की ओर। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय अजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नानासुगंधपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर भगवते वैश्वानराय नमः। ओम। ऐसे भगवती कात्यायनी के भी चरणों में प्रणाम करते हुए पुष्पांजलि। भक्तों, ये ध्यान रहे कि जब भी आप पुष्पांजलि करें तो भगवान गणेश जी को प्रथम प्रणाम करते हुए और पुनः भगवती कात्यायनी को, जो जिस दिन की अधिष्ठात्री देवी हूँ। हरि ओम। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् सेवन्ति काबकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे भगवत्यै नमः अम्बिकायै नमः। ओम। भक्तों, आपने आरती की है, अब आरती के बाद आप पुनः प्रदक्षिणा करते हुए और अग्निदेव को प्रार्थना करें। हे अग्निदेव, आपने बड़ी कृपा की, ऐसे आप हमारे नवरात्र अर्थात 9 दिन तक भगवती के विविध स्वरूपों को आप आहुति पहुंचाएं। आप जात वेदस के नाम से जाने जाते हैं, आप वैश्वानर हैं, आप के विविध रूप हैं। प्रणाम करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ। ऐसी भावना के साथ आप अग्निदेव को प्रणाम करें और उसके बाद इस हव्य को आप स्वयं सपरिवार मस्तक में लगाएं। हरि ओम। भक्त्राब् जय भाग्यलक्ष्मी करतलकमले सर्वदातार लक्ष्मी दोर्दंडे वीरलक्ष्मी हृदय सरसिजे भूतकारुण्य लक्ष्मी संग्रामे सौम्य लक्ष्मी निखिल गुणगणान्बरे कीर्ति लक्ष्मी सर्वांगे सौम्य लक्ष्मी महिषु विजेतां सर्वसाम्राज्य लक्ष्मी। हरि ओम। वैश्वानराय नमः भगवत्यै कात्यायन्यै नमः। ओम। तो दर्शकों, यह आपने भगवती के पूजन को सामान्य रूप से आपने दर्शन किया। आप चाहें तो इसको और बड़े रूप में, चाहें तो और संक्षिप्त में कर सकते हैं। ये तो हमने आपके सामने दिव्या चैनल के माध्यम से एक प्रस्तुत किया है कि आप अपने घर में विराजमान होकर बैठकर और बिना किसी आचार्य के आप स्वयं भी यदि चाहें, क्योंकि हमारे आपके मन में एक भ्रम होता है कि अगर हमारे घर कोई आचार्य, कोई ब्राह्मण, कोई विद्वान ना आए तो क्या हम आहुति दे सकते हैं, कर सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। हो सकता है कहीं आपकी भावना उन ब्राह्मणों की अपेक्षा और श्रेष्ठ हो और उत्तम हो, तो आप शांतिपूर्वक बिना किसी समय के बंधन में रह करके आप आहुति प्रदान कर सकते हैं और भगवती की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपको इस 6ठे दिन के भगवती कात्यायनी देवी के इस नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।